बिहार में अब आपको गवर्नमेंट जॉब्स जो है बहुत देखने को मिलेगा इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हुआ दो लाख प्लस जो है टीचर यानी लगभग अराउंड थ्री लैक्स के प्लस जो है आपका टीचर्स की बहाली हुई और भी अलग अलग पोस्ट में हुआ और दरोगा का भी फाइनल होने जा रहा है कुछ दिन में जो है रिजल्ट आएगा दैन फिज़िकल फिर फाइनल हो जाएगा बाकी अब जो है और आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप सुनिएगा कुछ रीजंस हैं कुछ रीज़न मैं आपको बताऊंगा इसके मतलब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और ऐसा क्यों होगा ये मैं बताऊंगा आपको देखिएगा वीडियो को तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है चैनल को सो लेट्स स्टार्ट क्या क्या देखिए यहाँ पे क्रेडिट लेने का मसला हो गया था मतलब कि सत्रह महीना कोई गवर्नमेंट रही अभी महागठबंधन महाँगर्ण, की सरकार थी सत्रह महीना तक अभी फिलहाल जो है कुछ आ, कुछ दिन पहले आपने दिखाई होगा कि सरकार चेंज हो गया नीतीश कुमार जो है फिर से एन डी के इसमें चले गया तो फिर बदल गया सरकार अब उसमें क्रेडिट लेने की बारी आ गई तेजस्वी कह रहा है ये सब आपको पता ही है बट मैं थोड़ा सा आपको अलग परस्पेक्टिव में बता रहा हूँ तो उनका कहना है कि नहीं मेरे मेरे गवर्नमेंट एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो मेरे अंडर था मेरे मिनिस्ट्री के अंदर मतलब मैं उसमें था डिप्टी सीएम में था, मैं था तो क्रेडिट भी मुझे ही जाना चाहिए और उन्होंने क्रेडिट लिया भी है और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि सत्रह महीने से जो ते, मतलब ये महागठबंधन की सरकार ही तो इसी के अंदर जो है सारे बहार यहाँ सारी नौकरियाँ जो है इसी के अंडर में हुआ है लोग लोग भी समझ रहे बस कुछ आ, कुछ लोग हैं जो इस, इसके अपोज़ में हैं और बाकी जो है मतलब इसके अगेंस्ट है कि ऐसा नहीं है मेन तो चीफ मिनिस्टर साहब ही थे तो वो उन्हीं ने पास कराया होगा जाहिर सी बात ये भी कुछ हद तक सही है कि चीफ मिनिस्टर के बगैर कुछ थोड़ी पास हो सकता है जो मेन है उनके उनके सपोर्ट से ही पास होता है सारी चीज़ें अब क्या हुआ कि वो बदल गया मतलब इधर आ गया अब इनकी अब इनको भी क्रेडिट चाहिए क्योंकि इनका जो नीतीश कुमार जी हैं इनका जो इमेज है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत हद तक ख़राब हो चुका होगा बहुत ज़्यादा क्योंकि इतना पलटना यार कुछ एक लिमिट होता है इंसान का कि पलट के इधर जा रहा है फिर उधर आ रहा हो मतलब वो खुद अपने आप को लेकर के कंफ्यूज है वो क्या वो आदमी क्या विकास के बारे में सोच सकता है जो अपने में श्योर sure, श्योर sure नहीं है कि भाई मुझे एग्जैक्टली exactly क्या करना है मुझे प्रदेश की जो तरक्की के लिए मुझे क्या करना चाहिए मुझे डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सो गवर्नमेंट जॉब्स अलग अलग सब कुछ चीज है इसके लिए उसके माइंड मन में जो है आइडियाज़ और आएगा कहाँ से जो अपने आप को लेकर के श्योर नहीं कि मुझे कहाँ रहना चाहिए हर जगह उसको हल्कापन लग रहा है कि यहाँ मैं खुश नहीं था मन नहीं लग रहा था मैं उधर चले गया खैर ये सब पॉलिटिक्स की बातें ये हमें नहीं करनी चाहिए और हमें तो बस अपना मेहनत करें और हमें सरकार टाइम पे जॉब प्रोवाइड करे और तो यही हमारे लिए काफ़ी है बाकी ये सब पॉलिटिक्स की बातें जो है जो पॉलिटिक्स में है वो हालाँकि ऐसा नहीं कि जो पॉलिटिक्स की बातें हमें नहीं हम नहीं करेंगे तो भाई कौन करेगा हमें भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए खैर तो यही मैं एक मोटा रीज़न आपको बता रहा था कि आप इसमें जैसे बिहार दरोगा का जो पोस्ट है जो नई भर्ती आने वाली है बिहार दरोगा तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा और इसमें सीट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको उसके बाद सचिवालय का जो पोस्ट है उसमें भी आपको यानी बी एस फोर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा उसमें भी जो है आपको पोस्ट में जो है काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और टीचर वाला तो अभी चल ही रहा है फिफ्टीनथ या सिक्सटी मार्च को शायद मिडिल स्कूल का जो है है मतलब सिक्स टू एट्थ का है उसके बाद नाइन्थ का नाइन टेंथ का जो पेपर था वो कैंसिल हो गया क्योंकि एस्टेट का पेपर है उसकी वजह से मैं ये पेपर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में जो है मतलब क्या बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से मैंने सिर्फ एकेडमिक्स किया हुआ है एकेडमिक्स में भी वो भी ग्रेजुएशन तक ही किया मैंने अकेडमिक्स अपना आगे मैंने पी भी करना चाह रहा था बट मैं ये सब कम्पिटन वाला माहौल में आ गया और दो तीन साल तीन साल मेरे निकल गए इसमें बहुत ही मतलब क्या करें पछता के भी कुछ नहीं कर सकते हैं तीन साल टाइम दिया डेडिकेटेडली किसी में हो नहीं रहा क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मतलब नहीं हो रहा तो मेरे में कुछ नहीं एक दो नंबर से छूट रहा है पहले सुनता था कि भाई ऐसा होता तो मजाक लगता था कि ऐसे बोल रहा है बट मेरे साथ खुद हो रहा तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं मतलब किस दौर से मैं गुजर रहा हूँ आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आप भी जो है इस फील्ड में हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं खास करके टीचर वगैरह ये सब छोड़ कर क्योंकि टीचर भी अपने आप में प्रोफेशनल इसमें आ जाता है क्योंकि टीचर का आप ट्रेनिंग का आपने अगर कोई डिग्री किया हुआ है जैसे डी एल एड बी एड तो आपके पास एक स्कोप है कि आप जो है कुछ अच्छा कर सकते मतलब कोई जब भी वैकेंसी आएगा तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है वो निकल जाता है अब तो बी हो गया मतलब फॉर्म फ़िलिंग के लास्ट डेट से एक महीना के अंदर ही पेपर हो जा रहा फिर उसके अगले एक महीना में रिजल्ट हो जा रहा फिर एक महीना में जो है फाइनल ज्वाइनिंग हो जाता है स्कूल तक पहुंच जाते हैं बच्चे जो है टीचर बन करके बट हमारे केस में तो ऐसा नहीं है ना हम जनरल कम्पटिशन में हमें किस में लगेगा कहना मुश्किल है हमें खुद नहीं पता होता है जिस भी पेपर देने जाएंगे हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इसमें हमारा हो जाएगा क्योंकि हम देखा है बहुत मतलब बहुत कम मेरे जैसे कितने बड़े पड़े हैं तो सफ़र करते हैं हम लोग मतलब आप भी होंगे उसी फील्ड में उसी कैटेगरी में मतलब लगभग स्टूडेंट कि उन्हीं को पता होता है मतलब जो इस फील्ड में होगा उन्हीं को एक दूसरे का दर्द पता होता है कि भाई किस इसमें गुजर रहे हैं तो तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए और बहुत अच्छा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा और हाँ मैं जो बोल रहा हूँ तो आपको ऐसा मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहा है ये आगे कुछ भी बोल यार भाई बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि हवाबाजी मतलब कि कुछ भी बोले जा रहा हूँ नहीं मतलब पता है आप खुद करके देखना आप एक वीडियो कैमरा रिकॉर्ड करके लो आप बोल के दिखाओ नहीं आएंगे आइडियाज़ मुझे एक्सपीरियंस है मैंने इतने साल से दिया मैं एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा ज़्यादा ये लगाता हूँ कि यार कैसे ये हो रहा है मैं खुद ने मैंने खुद फ़ेस किया इतना कुछ इतना सारा पेपर दिया किसी में हुआ नहीं किसी में फ्री हुआ तो मेंस नहीं मेंस हुआ तो फिर दो तीन नंबर से रह जाता हूँ इसमें कहीं एक नंबर से छूट जा रहा हूँ मतलब हो ही नहीं रहा क्लियर अब आगे भी बहुत सारे पेपर मुझे भी देना है आप भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी पेपर में हो ही जाएगा बट मैं ये स्टार्ट किया हूँ चैनल पर जो है वीडियोज़ बनाना जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उस पर अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ और जो इंफॉर्मेशन होता है जो इंपॉर्टेंट इंफॉमेशन होता है उन तक पहुँचाने का कोशिश करता हूँ तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा हमारे वीडियोज़ अच्छे लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप किस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगला वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा पूरा जो है कि आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वारीज हैं वो मैं जो है आपका क्लियर कर सकूँ ओके मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग